हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनिक जोशी। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे पूरा क्यूब सॉल्व करते हैं। मतलब हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में यह है कि थर्ड लेयर की कॉर्नर कैसे सेट करते हैं। मतलब आज ये हमारे सेशन का लास्ट वीडियो है, हमारे वेबिनार का ये लास्ट वीडियो है। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ। तो चले फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा जो पूरा क्यूब है वो सॉल्व हो चुका है। अभी मैं आपके सामने इसे, मैं अपना जो ये क्यूब है इसे मैं अनसॉल्व कर रहा हूँ। अनसॉल्व करने के बाद ये व्हाइट लेयर को मैं ऊपर करके मैं सबसे पहले तो प्लस बनाऊंगा। प्लस बना के मैं फर्स्ट लेयर बनाऊंगा। ओके, अभी फर्स्ट लेयर मैं जब बनाऊँ तब मैं कैसे ये सब की कॉर्नर्स मैच करता हूँ वो आप खास तरीके से देख लेना। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से यूजफुल होगा। देखो मेरा प्लस बन गया है। ओके, प्लस बनने के बाद अभी मैं सेट करने वाला हूँ जो ये है कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स में सेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये एकदम फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये इसमें तो पता चल ही गया है कि मैं क्या बोलने का पहले आपको ट्राई कर रहा था। क्यूब मैंने पलट दिया है क्योंकि मेरी फर्स्ट लेयर हो गई है और अभी मुझे ऐसी, देखो आप सब में भी यही प्रॉब्लम आता होगा। देखो ये जो सेट करने की जगह है, यहाँ पर येल्लो आ रहा है, यहाँ पर भी येल्लो आ रहा है, यहाँ पर भी येल्लो आ रहा है, यहाँ पर भी येल्लो आ रहा है। तो क्या करना, देखो सब कलरफुल जो एजेस है वो साइड पर छुप के बैठी है, तो हमें राइट साइड वाली एज को बाहर निकालना है। तो हम राइट साइड वाली एल्गोरिज्म फॉलो करेंगे। ओके ओके, तो चलिए फिर हम कर लेते हैं उसको फॉलो। ओके, अभी वो देख, आप देख सकते हो ये वाली एज जो है वो बाहर आ गई। मैंने राइट साइड की जो एल्गोरिदम है वो फॉलो करने के बाद वो वाली जो एज जो ऊपर नहीं आ रही थी वो ऊपर आ गई। बाद में ये रही, देखो जिसमें येलो कलर नहीं है, इसमें ये कलर को मुझे यहाँ पर सेट करना है। मतलब लेफ्ट साइड, मतलब हम लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम फॉलो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो अपना जो एज है वो अपनी जगह पर वो सेट हो चुका है। अभी थर्ड एज हम ढूंढते हैं जिसमें वाइट, जिसमें येलो कलर ना हो, तो ऐसी कोई है ही नहीं, तो हम उसे बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो ये आ गई बाहर। अभी ये ग्रीन को हमें राइट साइड सेट करना है, तो राइट साइड वाली एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे। मैंने वो वाली ही एल्गोरिदम फॉलो की है कि जो मैंने आपको दिखाई है लिख कर। ओके, ये अभी अबाउट टू एंड है मेरा जो सेकेंड लेयर है वो। ओके, अभी आप देख सकते हो कि मेरी जो सेकेंड लेयर है वो कंप्लीट हो गई। थर्ड लेयर को अपने आप ही प्लस बन गया है। अभी एक बार हम सेट करके देखते हैं, नहीं सिर्फ रेड का ही सेट हो रहा है। तो हम सब एजेस को सेट करेंगे थर्ड लेयर का, वो सेट करके थर्ड लेयर की जो एल्गोरिदम है के सेट एजेस वाली, देखो उसको सेट करने के बाद ये हो जा रहा है मेरी एज। कॉर्नर्स को हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो ये अपनी जगह पर सेट नहीं है। देखो येल्लो ग्रीन यहाँ पर तो रेड है। ओके, ये भी सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑरेंज यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए पर यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर येल्लो, ये भी सेट नहीं है। रेड ग्रीन और येल्लो सिर्फ यही सेट है। जो सेट है उसे हम रखेंगे लेफ्ट साइड और थर्ड लेयर की कॉर्नर वाली एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे। ओके, एकदम धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ इसलिए आपको सब पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन रेड रेड येल्लो येल्लो। ओके, ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ग्रीन येल्लो 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 ब्लू ब्लू ऑरेंज ऑरेंज। अभी हम यहाँ से आरडी आरडी चालू करेंगे यहाँ से। ओके, जहाँ तक येल्लो कलर का ना आ जाए तब तक। ओके, ये नीचे, हाँ अभी आपको लगेगा अरे अरे ये तो अनसॉल्व हो गया, पर ऐसा नहीं है, यही हमने सॉल्व किया। तो क्या करेंगे, ये अनसॉल्व वाले को यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर से आरडी आरडी शुरू कर देंगे आरडी आरडी। ओके, ये मैं आरडी आरडी अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ तक ये येल्लो कलर ऊपर ना आ जाए, आ चुका है। और ये वाली एज, ये वाली जो कॉर्नर है वो हमें रोटेट करके यहाँ पर लेके आनी है, फिर से आरडी आरडी। ओके, आरडी आरडी फॉलो करोगे तो ये सेट हो जाएगा। ओके,
तो आप देख सकते हो जो मेरा ये रूबिक्स क्यूब है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन का लास्ट वीडियो, इसके बाद अभी कोई वीडियो नहीं आएगा। और आज के सेशन में मैं आपको कुछ मेडिटेशन कैसे करने का, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसकी मैं आपको उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक लेक्चर की लिंक भेजूंगा, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। तो मिलते हैं वो वाले सेशन में। चलिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।